जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अब बात करते हैं आज शुएब अख्तर के बयान पे, जो उन्होंने आज से एक दो दिन पहले दिया था बाबर आजम के बारे में। शुएब अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू, टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि बाबर आजम उतना बड़ा ब्रांड नहीं बन सके पाकिस्तान में जिन्होंने को बनना चाहिए था। और उसकी वजह शुएब अख्तर ने जो बताई वो ये थी कि शायद बाबर आजम की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी इंग्लिश वो बोल नहीं पाते, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मीडिया हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बाबर आजम उतना बड़ा ब्रांड नहीं बन सके जो उनको बनना चाहिए था। अब इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और बहुत शोर मचा हुआ है। कुछ लोग शुएब अख्तर के हक में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग शुएब अख्तर के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो लोग शुएब अख्तर के खिलाफ बात कर रहे हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि शुएब अख्तर जो कि काफ़ी टाइम से शायद मीडिया के अंदर इन नहीं थे, पिछले कुछ दिनों में वो तबलीगी जमात के साथ नजर आए, तो इस वजह से भी वो मीडिया में उस तरह से इन नहीं थे, तो उस वजह से शायद उन्होंने मीडिया स्टंट छोड़ा है। और शुएब अख्तर ये काम अक्सर करते रहते हैं। दो वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर ऑफ द पास्ट और बहुत अच्छे इंसान भी हैं इन पर्सन शुएब अख्तर साहब। तो जो लोग खैर उनके बयान को पॉजिटिवली नहीं ले रहे, वो तो ये समझ रहे हैं कि शायद बाबर आजम जो कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े इस वक्त उनका एक नाम है दुनिया क्रिकेट में, तो उनको लेकर मे बी शुएब अख्तर इज एक्सप्लॉइटिंग हिज नेम जस्ट टू बी इन द न्यूज़। और किसी हद तक अगर इस थेरी को लिया जाए तो वो कामयाबी लगते हैं, क्योंकि अब हर तरफ शुएब अख्तर के इस बयान की चर्चा हो रही है। और जो लोग शुएब अख्तर के खिलाफ बात करें वो ये भी कहते हैं कि इस बयान के खिलाफ इनफैक्ट बात करें, वो कह रहे हैं कि अगर आप दुनिया में देखें तो बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी लैंग्वेज की वजह से नहीं, अपनी गेम की वजह से पॉपुलर हैं। इसमें मैसी का नाम सरफहरिस्त है, जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो भी एक दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलर में से एक हैं, और ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इन इंग्लिश। इसी तरह आप राफेल नडाल की एग्जांपल लें तो वो भी कोई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोलते, इनफैक्ट वो सब अपने इंटरव्यू देते हैं स्पेनिश में है। मैसी भी स्पेनिश में देते हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत मुश्किल से इंग्लिश बोलते हैं, गुजारे लाइक। तो इसलिए अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो परफॉर्मेंस अपने लिए बोलती है, और उसके लिए आपको लैंग्वेज बैरियर ज़रूरी नहीं है। ये वो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि शुएब अख्तर के इस बयान के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो कि शुएब अख्तर को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बयान की, इस थेरी की, इस वे ऑफ थिंकिंग की सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ शुएब अख्तर ठीक कह रहे हैं, और वो एग्जांपल देते हैं विराट कोहली की, वो एग्जांपल देते हैं सचिन तेंदुलकर की, वो एग्जांपल देते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, कि ये हमारे पड़ोस में रहने वाले खिलाड़ी हैं जो कि इतना बड़ा ब्रांड इसलिए बने हैं क्योंकि दे हैव गॉट वेरी गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, दे हैव गॉट वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। बात किसी हद तक उनकी ठीक भी है। अगर आप इसको एनालाइज करें तो बाबर आजम जितना बड़ा ब्रांड बन सकते थे या बनना चाहिए उनको, अभी तक शायद उस तक पहुंच नहीं पाए। उसकी एक वजह तो यह है कि शायद मीडिया प्रेजेंस भी उनकी कम है, मीडिया हैंडलिंग भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया के क्रिकेटर्स की होती है। इसके अलावा पाकिस्तान शायद क्रिकेट भी बहुत कम खेलते हैं इंडिया की नस्बत। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये एक बहुत बड़ा जिसे मुझे मुझे लगता है कि जो मेन पॉइंट एक जो है जिसको विराट कोहली के कोर कैनवस पे ले जाता है, और बाबर आजम उतना कम्पीट नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ मीडिया एक्सपोजर एंड ऑल दैट, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत बड़ी मार्केट है। आप PSL और IPL का मुकाबला अगर करें, IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, IPL के डिजिटल राइट्स, IPL के बाकी मीडिया राइट्स वगैरह देखें तो उसका मुकाबला ही नहीं है PSL के साथ। उसकी वजह है कि एक आबादी 140 करोड़ की आबादी है, हमारी 22 करोड़ की आबादी है, उसके अलावा इंडिया की रीच बहुत ज़्यादा है, डायस्पोरा जो होगा पूरी दुनिया में इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा है, तो उस वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इंडिया क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता है, पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, पैशन पाकिस्तान में भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा, लेकिन उधर शायद थोड़ा सा और तरह है। तो अब ये फैसला लोगों ने करना है कि वो किस साइड पे हैं। साइड तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या वो शुएब अख्तर के इस बयान को सपोर्ट करते हैं नहीं करते। मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी बिग बिग बाबर आजम फैन, तो मैं तो चाहूँगा कि बाबर आजम का नाम विराट कोहली से भी बड़ा हो, दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम बाबर आजम का हो। तो उसके लिए उनको मीडिया हैंडलिंग करनी पड़े तो वो करें, अगर उनको इंग्लिश लैंग्वेज की कोशिश करने पड़ते हैं, मीडिया ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अपने एक्सपोजर को बढ़ाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है वो करें, अपनी ड्रेसिंग को बेहतर करें, अपने वे ऑफ टॉकिंग को, अपने वे ऑफ हाउ ही अप्रोचेज पीपल टॉकिंग टू हिम, उसको ये सब इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के साथ साथ, और हाँ स्ट्राइक रेट के साथ साथ। तो ये मेरा व्यू था, आपका जो व्यू है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।